बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट डॉक्टर शेख तारिक। आपका प्रोग्राम है एम.फिल एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, और इस प्रोग्राम में हम जिस यूनिट के लिए आज हाज़िर हुए हैं वह है यूनिट नंबर 8। इससे पहले कि हम यूनिट नंबर 8 की तरफ जाएं तो उसके लिए कुछ तमहीद बांध लेते हैं कि वो कोर्स यूनिट क्या है और उसके अंदर मेन फोकस क्या है। हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम मुख्तलिफ़ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं उन पॉलिसीज़ का मकसद ये होता है कि हम एजुकेशन के ज़रिए क्या करना चाहते हैं। तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के ऊपर पॉलिसीज़ अपने एम्स बता देती है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट चाहते हैं, हम इस्लामाइजेशन चाहते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, हम लिटरेसी को 100% करना चाहते हैं। वो जो ब्रॉडर एम्स हैं वो हमारी पॉलिसी हमें डिस्क्राइब कर देती है। पॉलिसी आपके एम्स को डिस्क्राइब कर देती है, उन डायरेक्शंस को डिस्क्राइब कर देती है जिसके ज़रिए आपने उस सिस्टम को वज़ा करना है। उन पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर फिर हम उनकी अचीवमेंट की बात करते हैं कि ये अचीवमेंट अचीव्ड कैसे होंगे। उनको अचीव करने के लिए फिर हम जो चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं करिकुलम। वो करिकुलम फिर कंटेंट उसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है, उन मकासद को सामने रख के कंटेंट की सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल होते हैं। फिर हम उस कंटेंट को सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के बाद उन मेथडोलॉजीज़ का जिक्र करते हैं कि ये वाला कंटेंट किस मेथड के थ्रू डिलीवर होगा। फिर उस मेथडोलॉजी के बाद हम देखते हैं कि जो चीज़ हमने डिलीवर की उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो किस हद तक हासिल हुए, उसके अंदर एवेल्यूएशन के क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज वगैरह डाली जाती हैं। इस तरीके से हम पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर करिकुलम बनाते हैं, और करिकुलम बनाने के बाद हम इसको स्टूडेंट्स की तरफ टेक्स्ट बुक की फॉर्म के अंदर भेजते हैं ताकि ये बच्चे इसको पढ़ें और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अब मैं जो फिक्रा कह रहा हूँ, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था वो हमें अचीव हो जाए। अब ये जो मकसद है जिसके लिए हमने प्रोग्राम ऑफ़र किया था ये हमें किस हद तक हासिल हुआ, वो जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते थे टू व्हाट एक्सटेंड वी अचीव्ड, कहाँ कमी रह गई, कहाँ ज़्यादती हो गई, कौन सा अच्छा अचीव हुआ, कौन सा कम अचीव हुआ, मुझे किस किस जगह रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। अब इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। एक्सरसाइज हम कर चुके, चीज़ें बना चुके, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर चुके। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमने दी थी वो किस हद तक हमें हासिल हुई या नहीं हुई, उसको उसका जो फीडबैक है वो हमें चाहिए। इस फीडबैक को हासिल करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑप्ट करने के लिए जिन प्रैक्टिसेस का जिस प्रोसेस का सहारा लिया जाता है उसको हम कहते हैं एवेल्यूएशन। और अब ये जो एवेल्यूएशन हम करने के लिए जा रहे हैं, ये एवेल्यूएशन हम करना चाहते हैं करिकुलम की। करिकुलम को हमने अबस तो नहीं बनाया, उसके पीछे कोई हमारे हिडन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने निसाब बनाया। जब हमने वो निसाब बना दिया और बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया, टीचर को पढ़ाने के लिए दे दिया, इंस्टीट्यूशंस को उसके मुताबिक डिज़ाइन कर दिया, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया, सारे काम जब हमने कर दिए, अब हमारा देखना ये भी तो बनता है कि वो करिकुलम जो हमने बनाया था वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक हासिल कर सका या नहीं कर सका। इस जानने के अमल को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, ये कहलाती है एवेल्यूएशन। और जो चीज़ हमने एवेल्यूएट आज करनी है वो करिकुलम है। तो ये जो यूनिट नंबर 8 है, इस यूनिट नंबर 8 को हम कहते हैं करिकुलम एवेल्यूएशन। और इसका जो लेआउट होगा, इसके अंदर जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की या जानने की कोशिश करेंगे वो ये है नेचर ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन, कि किस किस्म से किस तरीके से करिकुलम को एवेल्यूएट किया जाता है, फंक्शंस ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन क्या हो सकते हैं, और किन किन तरीक़ों से वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसके तरीके से हम करिकुलम को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इस यूनिट को हम आगे लेके चलते हैं। थीम मैंने आपके सामने रख दी कि जो करिकुलम हमने बना के अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया वो किस हद तक अपने मकासद को हासिल कर सका। हमें कुछ और फ़ैसले करने हैं कि इस कंटेंट को रखें निकालें, इस ऑब्जेक्टिव को रखें निकालें, ये पेडागोजी रखें या निकालें, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें या ना करें। इन तमाम डिसीजंस को लेने के लिए हमारे पास किसी फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, किसी ऑथेंटिक रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वो जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं वो एवेल्यूएशन है। अब इससे पहले कि हम एवेल्यूएशन करिकुलम के कॉन्सेप्ट में पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ें, हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट डू वी मीन बाय एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये एक जैसे मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी वो किसी चीज़ के भी ऊपर लगाया जाए मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा। इसी तरह एवेल्यूएशन भी एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको आपको इंडिपेंडेंट पहले समझने की ज़रूरत है, फिर हम इसको करिकुलम पर लगाएंगे तो करिकुलम एवेल्यूएशन हो जाएगा, स्टूडेंट्स पर लगाएंगे तो स्टूडेंट एवेल्यूएशन हो जाएगा, प्रोग्राम पर लगाएंगे तो प्रोग्राम एवेल्यूएशन हो जाएगा, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हो जाएगा। ये प्रोसेस है, फिर जिस पर लगाएंगे ये उस चीज़ को एवेल्यूएट करके आपको दे देगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट डू वी मीन बाय एवेल्यूएशन। इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे, ये कोई हैपहैज़र्ड तरीका नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक वे है। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना ये सिस्टमैटिक वे है तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर सीक्वेंस होगा, स्टेप्स होंगे, स्टेप्स एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर मौजूद होंगे। तो लिहाजा ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम के थ्रू मूव करेगा और इसके अंदर सर्टन स्टेप्स हैं। आइए उन स्टेप्स को देखें जिसको लेकर ये एवेल्यूएशन का प्रोसेस चलता है। पहली चीज़ है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी जिस कमरे में बैठे आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आपके साथ कोई और मौजूद है उसको कहें कि बाहर जाओ फिर वापस आ, वो बंदा बाहर जाता है और वापस आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आपने देखा बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी, वो कहेगा आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने ये देखना था कि बारिश देखनी है नहीं देखनी, तो मैं क्या आपको बताऊं कि बारिश हो रही है नहीं हो रही। तो लिहाजा एवेल्यूएशन को करने से पहले इस चीज़ का तयन होना बहुत ज़रूरी है, एवेल्यूएशन फॉर व्हाट, किस चीज़ को एवेल्यूएट करूं। तो लिहाजा सबसे पहला काम एवेल्यूएशन के प्रोसेस का ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये एवेल्यूएट करना है। मसलन अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपको शायद कोई परफॉर्मा आ जाए कि जो प्रोग्राम हमने आपको भेजा उसमें आपने शेख साहब के बारे में हमें रिपोर्ट देनी है। अब आपने ये नहीं बताया कि डॉक्टर साहब के किस कंपोनेंट के ऊपर रिपोर्ट देनी है, आपने वो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं किया। आपको क्या ये बताना है कि डॉक्टर साहब ने क्या पहना हुआ था, आपने ये बताना है डॉक्टर साहब की कम्युनिकेशन के स्किल्स कैसे थे, टीचर्स की पेडागोजी क्या थी, कंटेंट की डिलीवरी क्या थी, टाइमिंग क्या थी, बताना क्या है, किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट देनी है। जब तक ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा एवेल्यूएशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो व्हेन एवर यू हैव टू स्टार्ट द एवेल्यूएशन पहले ये डिसाइड कीजिए एवेल्यूएशन ऑफ व्हाट। जब आप एवेल्यूएशन ऑफ व्हाट की बात करेंगे इसका मतलब है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए उसके बाद उसके लिए किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड होगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको कहता हूँ कि इस फिल्म के बारे में मुझे बताइए कि इस फिल्म के अंदर जो फलां वाला बंदे ने रोल प्ले किया हीरो वाला वो कैसा था, तो इस रोल के बारे में मुझे बताना है कि हीरो ने कैसा परफॉर्म किया। अब मुझे इसके लिए फ़िल्म देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन की टेक्निक लगानी पड़ेगी। अगर आपको कहा जाता है कि मेरे वाला प्रोग्राम देखिए और बताइए कि टीचर ने किस तरह परफॉर्म किया, तो आप बग़ैर प्रोग्राम देखे, बग़ैर प्रोग्राम को ऑब्ज़र्व किए इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए जो आपको डाटा रिक्वायर्ड होगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन होगी। फिर उसके बाद अगले वाला डाटा कलेक्शन टूल, वो जो आप डाटा जो मेरे बारे में चाहिए वो कलेक्ट कैसे होगा, वो शायद क्वेश्चनियर के थ्रू हो, शायद वो इंटरव्यू के थ्रू हो, शायद वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो, शायद वो चेक लिस्ट के थ्रू हो। जैसे मुझे किसी का बुखार चेक करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, तो मुझे इसके टेम्परेचर से रिगार्डिंग डाटा चाहिए। अब मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाऊं जो मुझे बुखार की रिपोर्ट दे देगा, तो उसके लिए मुझे उसको थर्मामीटर लगाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ग्लूकोमीटर लगाना पड़ेगा, कौन सा मीटर लगाऊं जो मुझे देगा। तो जैसा डाटा चाहिए वैसा ही अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए ताकि उस इंस्ट्रूमेंट से वो डाटा कलेक्ट हो सके। जब आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया फिर आपको अब डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। आपने फ़र्ज़ कीजिए क्लास से किसी टीचर के बारे में राय ली तो 60 लोगों ने आपको राय दे दी, उन 60 लोगों ने जो राय दी उनमें से कितनों ने एग्री किया, कितनों ने डिसएग्री किया, कितने अनडिसाइडेड रहे, कितनों ने यस कहा, कितनों ने नो कहा। इस सारे डाटा को एनालाइज करना, टेबल्स के अंदर डालना और फिर उस चीज़ को देखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। और उसके बाद एक स्टेप इसके अंदर आता है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। अब मुझे रिज़ल्ट बताने हैं, अगर मैं उन रिज़ल्ट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में बता दूं तो इस फिनोमिने को, इस प्रोसेस को कहते हैं मेजरमेंट। अगर मैं उन रिज़ल्ट्स को वैल्यू की शक्ल में दे दूं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वाह वाह, शाबाश, अगर मैं यूं कह दूं तो ये मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी। तो किसी भी प्रोसेस को एंड पे जाके जब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको हम कहते हैं हमने उसकी एवेल्यूएशन कर ली। तो एवेल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करता हुआ चलता है और एंड पे जाके हमें वो रिजल्ट्स देता है जो हमें चाहिए होते हैं। एक दफ़ा फिर इसको देख लीजिए ताकि ये स्टेप्स आपके सामने आ जाएं और आपको याद रहे कि एवेल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और इस इंडिपेंडेंट प्रोसेस को हमने अप्लाई करना है करिकुलम की एवेल्यूएशन के लिए। तो एवेल्यूएशन को जब हम लेके जाएंगे तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे किस किस्म का हमें डाटा चाहिए, फिर हम ये डिसाइड करेंगे वो डाटा किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कलेक्ट होगा, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा जो आ चुका होगा इसकी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। वो जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे वो या तो मेजरमेंट की फॉर्म में होगा या फिर वो साइनिंग द वैल्यू की फॉर्म में होगा। इस इंडिपेंडेंट प्रोसेस को कहते हैं वैल्यू। ये तो होगी इंडिपेंडेंट। सेम रहेगा लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम करिकुलम को एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसको एवेल्यूएशन के प्रोसेस से गुजारा जा सकता है। एम्स ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन, वो मकासद क्या हैं जिसके लिए हम करिकुलम को एवेल्यूएट करेंगे। एक उसका मकसद ये भी हो सकता है आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम। हमने उस करिकुलम को डिज़ाइन किया था कोई ख़ास मकासद के लिए। हमने एक साइंस का करिकुलम बनाया, फ़र्ज़ कीजिए वो साइंस का जो करिकुलम बनाया हमने मैट्रिक के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना था, तो हमने साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए निसाब बनाया और उस निसाब के अंदर हमने फ़िज़िक्स भी रख दी, केमिस्ट्री भी रख दी, बायो भी रख दी, मैथमेटिक्स भी रख दी। अब हमने कहा कि इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, यानी बच्चे साइंस की तरफ माइल हो जाएंगे और उनका जो तर्ज सोच या तर्ज फ़िक्र होगा वो साइंटिफिक होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जिस प्रोग्राम को मैंने इस काम के लिए बनाया था क्या मेरे बच्चे उस प्रोग्राम के मुताबिक तैयार हुए भी या नहीं हुए। इस काम को जानने के लिए मुझे उस प्रोग्राम को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। शायद मुझे इसके लिए टीचरों से इंटरव्यू करना पड़े, शायद मुझे इससे बच्चों के टेस्ट लेना पड़े, शायद बच्चों को ऑब्ज़र्व करना पड़े। ये बात जानने के लिए कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम बनाया था क्या उस उन मकासद को इसने हासिल किया भी या नहीं किया, इसको एवेल्यूएट करने के लिए मुझे एवेल्यूएशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जो प्रोग्राम के मकासद को एवेल्यूएट करके मुझे बता देगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि हमारे बच्चे रूट मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, रट्टा लगा दो, जबकि बाहर की दुनिया शायद मूव कर गई है अंडरस्टैंडिंग की तरफ। वहाँ पे शायद क्वेश्चन ये नहीं आता कि न्यूटन के लॉ को डिस्क्राइब करे, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द न्यूटन लॉ। शायद वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि न्यूटन का पहला कानून बयान करो, जो न्यूटन ने कहा वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर दो। तो शायद हम इस चीज़ के ऊपर खड़े हैं। तो रूट मेमोराइजेशन, कई बच्चे इम्तहान में बैठे होते हैं और दूसरे बच्चे को कह रहे हैं मेरा भाई नहीं है, बस पहला लफ्ज़ बता दे, पहला लफ्ज़ मुझे, पहला लफ्ज़ बता दे, अगला वाला सारा मुझे पता है। इसका मतलब इतना ज़बरदस्त रट्टा लगाया हुआ है कि पहले लफ्ज़ बताने की देर है, उसके बाद फिर उसकी लिखनियाँ देखें आप वो किस तरीके से लिखता है। इसका मतलब है वी आर ट्रेंड ऑन रूट मेमोराइजेशन, जबकि शायद हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। जो इसके अंदर हिडन मैसेज है, जो मैसेज बिटवीन द लाइंस है, बच्चा उसको समझे, शायद हम वो समझाने में कासिर है। तो प्रोग्राम के जो असल वाले मकासद थे वो कहीं पीछे रह गए और रूट मेमोराइजेशन आगे निकल गई। तो शायद एवेल्यूएशन हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव थे क्या वो हमने हासिल किए या नहीं किए। एक करिकुलम की एवेल्यूएशन इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है कि वो जो हमारे एम्स थे वो हासिल हुए या नहीं हुए। डिसीजन मेकिंग, ये वाला करिकुलम इफेक्टिव है या नहीं है, इस करिकुलम को आगे चलाएं या ना चलाएं, इस करिकुलम के अंदर इस कंटेंट को रखें या निकाल दें, कई फैसले करने होंगे, कई फैसले करने होंगे। ये इन तमाम फैसलों को करने के लिए हमारे पास एविडेंस क्या होगा, हमारे पास क्या रिपोर्ट्स होंगी, उसके लिए शायद हमें एवेल्यूएशन के प्रोसेस से गुजरना पड़े और वो तमाम प्रोसेस करके देखना पड़े कि ये कंटेंट इफेक्टिव रहा, इस कंटेंट ने बड़ी परेशानी दी, ये कंटेंट टीचर की मेथोडोलॉजी से बाहर निकल गया, वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और डिसीजन, रैशनल डिसीजन करने के लिए हमें एक फीडबैक चाहिए और जो हमारी एवेल्यूएशन का प्रोसेस है वो शायद हमें वो फीडबैक प्रोवाइड करे। एवेल्यूएशन का एक मकसद फीडबैक भी हो सकता है, एवेल्यूएशन का एक मकसद चेंजेस भी हो सकता है कि हम करिकुलम के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाना चाहते हैं, इसके लिए हमें एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी। कंटिन्यूशन के अंदर हम जा रहे हैं। शायद एवेल्यूएशन का एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी हो कि हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखना चाहते हों। हमारा करिकुलम, हमारा एग्जामिनेशन का सिस्टम, हमारा बच्चों का पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, ये सारे एक परप्लेक्स सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। जब हम करिकुलम बनाते हैं तो शायद हम उसके अंदर इस तनासब को ना देख सकते हों कि इसके अंदर कितना पोर्शन कोग्निटिव डोमेन का होना चाहिए, कितना अफेक्टिव डोमेन का होना चाहिए और कितना साइकोमोटर डोमेन का होना चाहिए। करिकुलम बनाते हुए शायद हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि हम कितने परसेंट किस ऑब्जेक्टिव को फोकस में रख रहे हैं। एक करिकुलम एवेल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि हमारे बच्चे कॉग्निटिव डोमेन में कहाँ खड़े हैं, अफेक्टिव डोमेन में कहाँ खड़े हैं और हमारे बच्चे साइकोमोटर डोमेन के अंदर कहाँ खड़े हैं। एक करिकुलम एवेल्यूशन का मकसद हमारा ये भी हो सकता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो करिकुलम के किन कंपोनेंट्स को मेजर कर रहा है और किस हद तक मेजर कर रहा है। एक करिकुलम का एवेल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने के दौरान इन तीनों ऑब्जेक्टिव में से किसको ज़्यादा फोकस पे रखते हैं, क्या उनका फोकस कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है। तो एवेल्यूशन के चारों या तीनों पहलू हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टीचर भी देखा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम भी देखा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग भी देखा जा सकता है और विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन भी देखा जा सकता है कि करिकुलम के अंदर इनको कहाँ कहाँ पर हमने किस किस तरीके से प्लेस किया। मैं बता रहा हूँ करिकुलम को जो एवेल्यूएट करना है तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये कोई हतमी लिस्ट नहीं है, इसके अलावा हज़ारों ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एवेल्यूएटर कि वो करिकुलम के कौन से कंपोनेंट को एवेल्यूएट करने के लिए जा रहा है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये मैंने भी आपसे बात की, ये भी कुछ हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि करिकुलम को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो उसके कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम करिकुलम को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट पाथ हैं, डिफरेंट पैराडाइम्स हैं जिसके ज़रिए हम करिकुलम को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो चंद जो मॉडल्स और मेथड्स हैं करिकुलम एवेल्यूएशन का, उनका जिक्र आपके इस कॉन्टेंट के अंदर रखा गया। इसके अलावा और भी बहुत से हैं। पहले वाला स्टेक्स का कॉन्टिनेंट्स मॉडल है, इसके अंदर डिफरेंट पीपल करिकुलम को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर एवेल्यूएट करते हैं। टीचर के लेवल के ऊपर, इनपुट के लेवल के ऊपर और आउटपुट के लेवल के ऊपर डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके ऊपर जाके करिकुलम को एवेल्यूएट करते हैं कि इस लेवल पे करिकुलम कैसा इंप्लीमेंट हुआ, इस लेवल पे कैसा हुआ और इस लेवल पे कैसा हुआ। तो उसने एक मॉडल बना के दिया कि आप कॉन्टीन्यूटी के अंदर चलें और इन सेवरल स्टेजेस के ऊपर जाके करिकुलम को अंदर देखें। तो जहाँ करिकुलम के अंदर कोई गैप आ रहा होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। शायद बनाने के अंदर कोई मसला आ गया हो, शायद इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई मसला आ गया हो, शायद उसकी अटेनमेंट एवेल्यूएशन के अंदर कोई मसला आ गया हो। इन तीनों लेवल्स को जाके चेक करें और देखें कहाँ पर मसला आया। तो उसने ये जो करिकुलम एवेल्यूएशन का मॉडल दिया, इसकी तीन स्टेजेस हैं। एंटीसीडेंट्स, किस सिचुएशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उस सिचुएशन को देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, ट्रांजैक्शन डिलीवर कैसे हुआ, डिलीवरी की। आपने बनाया तो बहुत अच्छा करिकुलम, बनाया तो बहुत अच्छा, कंटेंट तो आपने बहुत अच्छा रखा, लेकिन शायद कहीं डिलीवरी के मसाइल आ गए हों। तो जो ऑब्जेक्टिव्स आपने कंटेंट चुनते हुए रखे थे, शायद डिलीवरी में वो वाले ऑब्जेक्टिव आपके शामिल ना हों। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बांग्लादेश है, इसके पाकिस्तान से जुदा होने के अंदर टीचर्स ने बड़ा अहम रोल कंट्रीब्यूट किया। तो टीचर्स ने बड़ा अहम रोल कंट्रीब्यूट किया। अब उसको जो उसकी वजाहत की जाती है वो इस तरह कि जब टीचर वहाँ पे पढ़ाते थे, मोस्टली जो टीचर्स थे वो हिंदू कम्युनिटी से थे, तो वो जो टीचर्स पढ़ाते थे वो पढ़ाते पढ़ाते कोई एक ऐसा हिडन मैसेज भी दे देते थे जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात ज़रूर होती थी। तो वो चीज़, वो पनीरी जो उन्होंने वहाँ उनके दिलों में बोई, तो जब वो जनरेशन जवान होकर सामने आई तो वो ऑलरेडी तैयार थे, उनको इशारे की ज़रूरत थी, वो इशारा उनको मिल गया और वो हमसे जुदा हो गए। तो वहाँ पे टीचर्स ने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया। तो जब करिकुलम चल रहा होता है तो टीचर उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहा होता है, इस सेमेस्ट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आउटकम, वो जो अचीवमेंट हैं उससे मिल क्या रहा है, जैसे आपके बोर्ड के रिजल्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, जैसे आपकी थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन है वो क्या कह रही है। तो ये जो मॉडल है वो कहता है कि अगर आपको करिकुलम को कम्प्रिहेंसिवली एवेल्यूएट करना है तो आपको इन तीनों स्टेजेस के ऊपर से गुजरना चाहिए। सिचुएशन क्या थी, क्या सोच के बनाया गया, पीछे पॉलिसीज़ और प्लान्स क्या थे, मुल्क की फ़िलासफ़ी क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी, चाहते क्या थे, टीचर्स ने उसको किस इन्वायरमेंट के अंदर कैसे लेसन प्लान बनाए, किस ट्रेनिंग के थ्रू उसको डिलीवर किया, और फिर वो जो आउटकम आ रही हैं वो किस तरीके से हमें हासिल हो रही हैं। इन तीनों लेवल्स के ऊपर चेक करें और देखें कहाँ कहाँ हमारे प्रॉब्लम आ गए हैं। फिर इससे फीडबैक से ऊपर जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं उनको लीजिए। तो ये मॉडल जो है, ये स्टेक्स का मॉडल है। हम दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। ये एक कर्सरी लुक आपके सामने रखी जा रही है, बाकी अपनी किताबों में अपने जाके डिटेल से पढ़िएगा तो फिर आपको बाकी तफसीलात भी। हिल्डा टाबा मॉडल, ये इसका बहुत करिकुलम बनाने में भी और करिकुलम की एवेल्यूशन के अंदर भी इसका बड़ा अहम रोल है और इसको बड़े अथॉरिटी के तौर पे लिया जाता है कि इसके ज़रिए करिकुलम को बनाने के तरीके भी सीखे जाएं। और उसी ने एक मॉडल दिया कि अगर आपने करिकुलम को एवेल्यूएट करना है तो किन किन पहलुओं को आप इसमें एवेल्यूएट करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट और चेंजेस ऑन रिजल्ट। अब ये क्या रही है, ये कह रही है कि आप क्या चाहते हैं वो कंटेंट बनाइए और फिर देखें उसका इफेक्ट क्या होगा, ये तय कर लें कि ये पढ़ाएंगे तो ये होगा। मैं साइंस के ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप होगा, उनके अंदर साइंटिफिक अवेयरनेस भी आएगी, उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स भी आएंगे। तो ये मेरी कॉज है और ये इफेक्ट होगा, मैं ये सिखाना चाहता हूँ, मैं उनको प्रैक्टिकल करवाऊँगा, ये प्रैक्टिकल करवाऊँगा और उनके अंदर साइकोमोटर डोमेन के जो स्किल्स हैं ये यूँ डेवलप हो जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है, कंटेंट ए भी ले लें इस कॉज के इफेक्ट के लिए, कंटेंट बी भी ले लें, कंटेंट सी भी ले लें, 3 किस्म के कंटेंट ले लें कि आप कहेंगे इससे भी ये इफेक्ट पैदा होगा, इससे भी ये इफेक्ट होगा, इससे भी ये इफेक्ट होगा। ओके, सिलेक्शन खुद ना कीजिए, लेट इट डू एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा कीजिए, पायलट टेस्टिंग कीजिए और लोगों को वो निसाब पढ़ने के लिए दीजिए। इससे पहले कि आप इसको लार्ज स्केल के ऊपर ले जाएं तो ये निसाब बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, पायलट टेस्टिंग कीजिए, 3 जगहों पे वो निसाब पढ़ा दीजिए, देखिए कौन सी वाला इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। जब वो इफेक्ट आपके सामने आ जाएँ, मेजर हो जाएँ, उसकी बुनियाद के ऊपर आप वो चेंजेस कीजिए, वो रिजल्ट्स जो आप लेके आए हैं उनकी बुनियाद पे आप चेंजेस कीजिए। इस तरीके से करिकुलम को एवेल्यूएट कीजिए। करिकुलम की एवेल्यूएशन के पीछे एक रैशनल है कि मैंने ये वाला कंटेंट साइंस को पढ़ाने के लिए क्यों लिया, तो उसके पीछे कोई रैशनल होगा कि इसको पढ़ाने से बच्चों के ऊपर ये वाले तासुरात या ये वाले असरात मरतब होते हैं। तो हिल्डा टाबा मॉडल ये है कि कॉज एंड इफेक्ट को तय कर लीजिए, फिर उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए, उन चेंजेस को जो आप चाहते थे वो रिजल्ट के तौर पे ले आइए। इस तरीके से एवेल्यूएशन को परफॉर्म कीजिए तो करिकुलम सारे का सारा खुल के आपके सामने आ जाएगा। तीसरे वाला मॉडल स्टफलबीम सिप मॉडल, ये सिप है और ये एब्रीविएशन है इन 4 वर्ड का। वो कहता है कि अगर आपने जिस तरीके से अभी आपने पहले वाला स्टेक्स का मॉडल पढ़ा, उसने एवेल्यूएशन के लिए 3 स्टेप्स दिए, 3 स्टेजेस दी कि अगर आपने करिकुलम को एवेल्यूएट करना है तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जाके एवेल्यूएट कीजिए, करिकुलम आपको सारी सिचुएशन खोल कर सामने रख देगा। सिप स्टफलबीम कहता है कि अगर आपने एवेल्यूएट करना है तो इसको सी स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को एवेल्यूएट कीजिए। कॉन्टेक्स्ट को एवेल्यूएट करने का मतलब ये है कि देखिए हमारी अकदार क्या है, हमारा माशरा क्या है, हमारी फ़िलासफ़ी क्या है, हमारी साइकी क्या है, हम किस तरीके से करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं और वो किस माहौल के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को एवेल्यूएट करने के लिए भी हमें एवेल्यूएशन का प्रोसेस चलाना चाहिए। इनपुट, उस करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ इनपुट भी तो फैसिलिटीज़ भी तो चाहिए होंगी ना। आपने साइंस की किताब के अंदर प्रैक्टिकल रख दिया कि आपने लैब्स भी मुहैया की या नहीं की, इस इनपुट को भी एवेल्यूएट करना चाहिए। आपने इनपुट तो दे दिया, क्या वो प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, क्या साइंस टीचर मौजूद है, प्रैक्टिकल करा रहा है, तो इस चीज़ को भी एवेल्यूएट कीजिए कि क्या प्रोसेस मौजूद है। और आखिरी वाला पी, बाज़ों का प्रोडक्ट को भी देखिए, उसको पढ़ने के बाद वो प्रोडक्ट क्या निकल रही है। इस इन चारों कंपोनेंट को जब एवेल्यूएट करेंगे तो करिकुलम की एक कम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अब फैसले कीजिए, अब डिसीजन लीजिए, जो जो तब्दीलियाँ जहाँ जहाँ लाना चाहती हैं। मुमकिन है कहीं कॉन्टेक्स्ट का इशू आ जाए, मुमकिन है कहीं इनपुट का इशू आ जाए, कहीं प्रोसेस का इशू आ जाए और कहीं पर प्रोडक्ट का इशू आ जाए। तो इस सारे को जानने के लिए ये काम करना पड़ेगा। मिचेल्स स्वेरियन गोल फ्री मॉडल, वो कहता है कि आप इसको पहले से ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन ना करें, गोल फ्री मॉडल के ज़रिए इसको जाने दीजिए। जो था, जो आपने पढ़ाया, उसके क्या असरात मरतब हुए ये देख लीजिए। अगर अच्छे असरात मरतब हुए हैं तो ले लीजिए, अगर अच्छे असरात मरतब नहीं हुए तो छोड़ दीजिए। इससे पहले कि हम पहले ही डेस्टिनेशन का तयन करें और फिर एवेल्यूएशन करें, इसको करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इसने एक गोल फ्री मॉडल दे दिया कि जो एक्चुअल इफेक्ट है उसको मेजर कर लो, कास्ट तो पीछे होगी ना कोई ना कोई, इसी तरीके से इसकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन ले लीजिए। तो ये वाला जो मॉडल था ये आपके सामने आ गया। टेलर्स ऑब्जेक्टिव मॉडल, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो हर बंदे ने अपने अपने तरीके से करिकुलम को कहा। उसने कहा ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव की क्लासिफिकेशन कर लीजिए, किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, किसको एवेल्यूएट करना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर डिस्क्राइब करें कि क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं और फिर एंड पे जाके इसको एवेल्यूएट कर लीजिए। सिलेक्शन ऑफ सिचुएशन कीजिए, सिलेक्शन ऑफ मेथड कीजिए, कौन सी वाला कंटेंट होगा, किस सिचुएशन में एवेल्यूएट होगा और उसके ऊपर फीडबैक दीजिए और डिसीजन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम एक नहायत अहम चीज़ है, इसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव की रोशनी में करिकुलम बनाया जाता है और इस करिकुलम से उन चेंजेस को एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगी। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन मकासद के लिए हमने करिकुलम को बनाया क्या वो तब्दीलियाँ आई भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने सोचा कुछ था और हो कुछ और गया। इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है जिस प्रोसेस का नाम है एवेल्यूएशन। तो जब हम करिकुलम को एवेल्यूएट करते हैं तो हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो हमसे कहीं बनाने में रह गए, कहीं हमसे इम्प्लीमेंटेशन में रह गए, कहीं हमें बच्चे पढ़ाने में रह गए, कहीं हमसे फैसिलिटीज़ देने में रह गए। तो कई मसाइल, कई गैप्स होंगे। जब तक एवेल्यूएशन का प्रोसेस नहीं अपनाया जाएगा उन गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और उन गैप्स को जब तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल होगा। अजीज़ स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। नेक ख्वाहिशात दुआओं के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।